ডাইরেক্ট টু তোমার চলো মানে ডাইরেক্ট স্যার মূর্তি দেখতে পাচ্ছি মূর্তি हमने देखा है एफआईआर को भी देखा है रिएक्शन में नहीं नहीं किसी ने इंडिया के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला ना कल मोदी जी का रैली है अगर मोदी जी की रैली में कोई लोग तिपरा लाइन चला लगते हैं तो क्या मोदी जी का उसमें गलती होगा कोई कुछ और एक स्लोगन दे दे तो उसमें क्या बिप्लब देव के खिलाफ कुछ हो सकता है जगदीश देवर्मा ने तो भाषण दिया भी नहीं उस दिन मन से किसी ने हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोला और हम हिंदुस्तान को प्यार करते हैं देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि इस सरकार में पॉलिटिशियंस ही सरकार को नहीं चला रही ब्यूरोक्रेट्स आरएसएस के लोग दिल्ली में जो बैठकर यहाँ में आए मीडिया एडवाइजर्स लोग वो लोग चला रहे हैं उनको समझना चाहिए त्रिपुरा का कल्चर अलग है त्रिपुरा अपने दिल से त्रिपुरा ने हिंदुस्तान को अपने हिंदुस्तान को समर्पित किया था मेरे पूर्वजों ने किया था उनको हमें प्रवचन देने की कोई ज़रूरत नहीं कि देशभक्ति क्या होती है उनका देशभक्ति शुरू और ख़त्म एक दो शब्द से होता है हमने हमको वो नहीं समझा है देशभक्ति क्या होता है और जो उन्होंने सेडिशन का केस लगाया है बेवजह लगाया है कोई हिंदुस्तान में जो भी हिंदुस्तान हमने यहाँ में कम्युनिस्ट का रूल देखा है और जो जिसने कम्युनिस्ट का रूल देखा है वो कैसे बोल सकता है कि चाइना वेलकम इंडिया बाय बाय उनको अपना दिमाग लगाना चाहिए थैंक यू पहले भी बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला था कि जो ओरिजिनल जैसा पहले बनाया था वो ठीक नहीं था लेकिन अब इम्प्रूवमेंट किया है ठीक है अच्छा है इसमें मैं क्या बोलूँ कल उद्घाटन हो रहा है इसका मैं तो अभी जा रहा हूँ सीधा यहाँ से डुमाछोरा मेरा वहाँ में प्रोग्राम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ तो मेरा वो प्रोग्राम है यहाँ में ये प्रोग्राम है इसके लिए तो मुझे किसी ने निमंत्रण नहीं दिया है निमंत्रण नहीं मिले नहीं नहीं अब क्या करें ग्रैंडफादर को उन्होंने अलग दर्जा दिया है ग्रैंडसन को अलग दर्जा दिया है मैं क्या करूँ